सीहोर के थाना नसरुल्लागंज में पुलिस ने छेद के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले एवं गरीब लोगों का निशाना बनाकर फर्जी तरीके से बेचने वाले गिरोह के मुख्य सरागना बिहार निवासी आरोपी नवीन को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का उपकरण दर्जनों फर्जी जन्म प्रमाण पत्र सहित बिहार के गिरफ्तार करने में मिली बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी नवीन कुमार सिंह पिता संजीव कुमार सिंह उम्र 19 साल निवासी मिट्टी बाजार जिला सारण को बिहार से तकनीकी सहायता एवं अथक प्रयासों से गिरफ्तार किया। जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का मुख्य सरगना मासूम सा दिखने वाला 19 साल का लड़का, जिसने कम समय से अमीर बनने एवं अपने महंगे शौक पूरे करने के लालच में इस गोरख धंधे को शुरू किया था। पुलिस के अनुसार आरोपी नवीन कुमार ने पिताजी ऑनलाइन की दुकान पर काम करते थे। उसे देखकर उसे बचपन से ही से साइबर संबंधित चीजों से रुचि थी। वह घर के हालात सही ना होने से कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की लालच में उसने यूट्यूब के जरिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अभ्यास किया है। आज से करीब 6 माह पहले आरोपी को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग ऑनलाइन काम करने वाले जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं। तब आरोपी ने अपने मोबाइल पर गूगल से जन्म प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में जानकारी प्राप्त किया। काफी प्रयास कर गूगल से सर्च करने के जन्म प्रमाण पत्र बनाने की विधि प्राप्त की। आरोपी नवीन कुमार ने अपना स्वयं की फर्जी वेबसाइट बनाई। उक्त वेबसाइट के जरिए पूरे प्रदेश में फैले अपने दलालों के द्वारा शासकीय अस्पतालों में फर्जी सील एवं हस्ताक्षर से जन्म प्रमाण पत्र बनाता था। इस पत्रकार आरोपी नवीन कुमार द्वारा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिंक द्वारा लगभग 53,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपी से और भी पूछताछ की जा रही है एवं तैयार की गई है कि फर्जी लिंक को बंद कराने की प्रक्रिया की जा रही है, जिससे उस लिंक के माध्यम से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार ना किया जा सके। हाँ, ये नसरुल्लागंज की चौकी लाड़कू का एक मामला आया था, जिसमें ये फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का मामला संज्ञान में आया था, जिसपे त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला पंजीबद्ध किया था। और जब वह संचालक था, उसके खिलाफ FIR कर उससे पूछताछ की गई थी। प्रथम दृष्टया जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मुझे लिंक के माध्यम से बाहर से लिंक आ रही थी, जिसके वो तहत तक गया, साइबर की मदद ली तो पहले 12 सिवनी से एक गिरोह के साथी को पकड़ा, जिससे फिर पूछताछ की तो उसने बताया कि उसको लिंक कहीं और से फॉरवर्ड होती थी, और UP से 2 लड़कों को गिरफ्तार किया, उनसे फिर पूछताछ की। इस तरह से गिरोह बनता गया, और उसके बाद एक फाइनली जो इनके गिरोह की सरगना थी वो नवीन, जिसको बिहार से अरेस्ट किया है, उसको भी पुलिस को पूछताछ कर रही है, PR पे लिया गया है। किस प्रकार से वारदात को अंजाम दिया करते थे? सर, ये फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के माध्यम से एक लिंक फॉरवर्ड कर रहे थे। लिंक फॉरवर्ड में जो भी डिटेल्स रहते थे, उस जो भी नवजात बच्चा है उसके फिल हो जाते थे, और ये 100 रुपये उसके चार्जेस रहते थे, और जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट बनाते थे उसके बाद 20 रुपये पर उसके हिसाब से बनाए जाते थे। इस मामले में कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? अभी टोटल 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, जो इनका सरगना था, जिससे पूछताछ की जा रही है। और भी चीज़ें बरामद हुई थी, जैसे लैपटॉप बरामद हुए हैं, कुछ फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट भी बरामद किए, तो उस एवज में और इनसे पूछताछ की जा रही है।